हरियाणा में गेहूं की तूड़ी की कीमत आसमान छूने लगी तो तमाम अलग अलग जिलों में जिला उपायुक्तों की तरफ से धारा 144 से तूड़ी की ढुलाई पर लगा दी गई। यानी एक जिले से दूसरे जिले में गेहूं की तूड़ी की ढुलाई नहीं की जा सकती, धारा 144 लगाकर कानूनन इसे रोक दिया गया। अब इसी को लेकर तमाम किसान संगठन अपने गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की तैयारी तमाम किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। दरअसल किसान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तूड़ी किसी भी सूरत में 144 धारा 144 के तहत रोकी नहीं जा सकती। वो किसी भी जिले में लेकर जाना चाहें, वो किसी भी प्रदेश में अपनी तूड़ी को लेकर जाना चाहें तो उसे पुलिस रोकने का काम ना करें। मुझे बताइए कि किस तरह की ये बंदिश है। ये बंदिश कल फतियाबाद में लगाई थी, कल शाम ने हिसार में लगा दी, देर रात भिवानी के अंदर लगा दी, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि किसान अपनी तूड़ी को कहीं पर भी ले जा करके बेच सकता है। इसको रोकने के लिए, किसान की को मजबूर करने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने बहुत गलत काम किया। और जो कणक की तूड़ी को ले जा करके किसान भाई राजस्थान के एरिया दूसरी साइड बेचने को जा रहे थे, उनको ट्रैक्टरों को रोक करके 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। ये बहुत गलत है। संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के तमाम साथी यहाँ पर आए, हमने DC मैडम को ज्ञापन दिया और ये बिल्कुल है भी कानूनी रूप से गलत है। धारा 144 तो लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए लोगों के ऊपर लगाई जाती है। 5 या इससे ज्यादा आदमी घातक हथियार लेकर कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। आज किसान की उपज और किसान के भूसे के ऊपर 144 लगा रहे, ये सारा किसान और मजदूर विरोधी रवैया सरकार और प्रशासन का है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो इंसानियत के तौर पर प्रशासन इसको बंद करे कुकृत्य को, वरना हम जबरदस्ती इस धारा 144 को तोड़ के दिखाएंगे। गेहूं की तूड़ी पर ही धारा 144 लगा दी गई। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर रेट बढ़ने से धारा 144 लगाए तो पहले तो डीजल तेल पर लगानी चाहिए थी, न पेट्रोल पर लगानी चाहिए थी, गैस सिलेंडर के ऊपर लगानी चाहिए थी। और कोई कानूनविद, आप बात करके देख लो, कोई कानूनविद ये नहीं कह सकता कि तूड़ी के ऊपर धारा 144 लगा रही है, लग सकती हो। दूसरी बात, जो हम लगातार 1.25 साल से जो बात हम कह रहे थे कि इनका मुख्य उद्देश्य है, जो ये कानून लेके आए थे, जो 3 कानून वापस हो गए, उस कानूनों के माध्यम से ये कहा करते कि हम अब फसल को सारे स्टेटा में बेचने खातर एक खुली आज़ादी देने लग रहे हैं, देश में कहीं भी बेची जाए, कहीं भी बेची जा है। ये तो एक जिले तो दूसरे जिले में, और भी फसल तो छोड़ दो, आप तूड़ी को नहीं ले जाने देने लग रहे। तो ये कहीं ना कहीं प्रसन्नचिन्ह है सरकार के ऊपर, सरकार की मंशा खराब है। किसी न किसी तरीके से ये किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं और हमारा स्पष्ट संदेश है किसी भी सूरत में इस प्रकार की धाराएं हम लागू नहीं होने देंगे। तूड़ी को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की कोशिश अगर किसान करेगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। क्या दोबारा बताएं? तूड़ी की ढुलाई अगर एक जिले से दूसरे जिले में किसान करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार। वो तो मेरी बात सुनो, वो तो सारे हथकंडे बढ़ाएंगे, लेकिन हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा होने नहीं देंगे, किसी भी किसान को हमारे हस्त में नहीं लेने देंगे। अरे, धारा 144 किस में लगती है? और तूड़ी पर धारा 144 लगेगी क्या? कोई झगड़ा हो रहा है, कोई फिसाद हो रहा है, कोई आपसी को आंदोलन है, उसमें धारा 144 लगने की बात होती है? तो बिल्कुल अनैतिक और बिल्कुल गैर कानून तरीके से किसान मजदूर गरीब आदमी को दबाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ तो करें वन नेशन वन मार्केट, और एक तरफ जिले से दूसरे जिले में जाने देते, और एक तूड़ी को बताओ कितनी, मतलब एक घटिया स्तर की बात या हथकंडे अपना रहे सरकार। ऐसा हम चल नहीं देंगे। सारे किसान, हमारे स्वयं किसान मोर्चा के ये निर्णय ले लिया है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। तूड़ी की कीमत बढ़ने लगी तो प्रशासन को मजबूरी नहीं है, फैसला करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, इनके दिमाग में ये तो आई है, लेकिन क्या है, किसान के अगर फसल का रेट बढ़ता है तो इनको तकलीफ होती है। अरे, तूड़ी किसान की चीज है, वो किसान की गेहूं है तो किसान का है, फसल किसान की है, उसका रेट बढ़ते तकलीफ होगी, पेट में दर्द होगी। तो शर्माने जी, हम तो निंदा करते हैं इस बात की। आगे हम संयुक्त किसान मोर्चा और हमारा जो सेंटर का मोर्चा है उससे सारी बातें करके विचार विमर्श करके अगली रणनीति बना के और फिर बता देंगे आपको सारी बातें। 144 को तोड़ने का ऐलान यहां पर किसान संगठनों की तरफ से कर दिया गया है। साफ ये बात कह रहे हैं कि तूड़ी की ढुलाई पर किसी भी सूरत में धारा 144 को लागू नहीं किया जा सकता, और ऐसी सूरत में किसान संगठन इस धारा को तोड़ने का काम करेंगे और अपनी तूड़ी को वो जहाँ चाहेंगे वहीं बेचेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।